हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है सबका पसंदीदा डोनट्स, वो भी विदाउट टेस्ट। तो आप इस रेसिपी को अंत तक देखें और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 कप मैदा लिया है जो कि करीबन 400 ग्राम जितना है, 3/4 कप पिसी हुई चीनी ली है, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। अगर आपके पास ये दोनों ना हो तो आप एक इनो का पैकेट भी डाल सकते हो। 1 कप दूध, 2 टेबलस्पून बटर और 2 टीस्पून वाइट विनेगर लिया है। अब हम इस मैदे में पिसी हुई चीनी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें दूध डाल देना है और दूध के ऊपर ही हमें विनेगर को डाल देना है। अब इसे अच्छे से मिलाकर हमें आटा गूंद लेना है। अब हमें जरूरत के हिसाब से पानी डाल देना है और इसे अच्छे से गूंद लेना है। तो मेरा ये आटा यहाँ पे गूंद के तैयार है। मैंने इसमें करीबन 1/2 कप जितना पानी डाला है। अब हमें इसे 10 से 15 मिनट तक इसे अच्छे से मसलना है। हम इसे जितना मसलेंगे ये उतना ही सॉफ्ट बनेगा। तो मैंने 5 मिनट मसल लिया है। अब हम इसमें बटर डालेंगे और इसे 10 मिनट तक वापस अच्छे से मसलेंगे। मैं ये प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो एक डिश में भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि आटा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसे गोल कर लेंगे और इसे बोल में रख देंगे। हमें इसके ऊपर बटर या घी को लगा देना है ताकि ये सूख ना जाए। अब हमें इसे ढक देना है और 1 घंटे के लिए इसे रेस्ट करने देना है। तो इसे 1 घंटा हो चुका है। अब हमें इसे 1 से 2 मिनट तक वापस मसलना है। अब हम इसके एक पोर्शन को ले लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा मैदा छिड़का है, इसके ऊपर हम इस आटे को बेल लेंगे। हमें इसे बहुत पतला नहीं बेलना है, इसे मोटा ही रखना है। तो अब हमें डोनट को कट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक वाटी ली है, इससे हमें कट करना है। अगर आपके पास कुकी कटर हो तो आप वो भी ले सकते हो। आप कोई भी डोनट के साइज की कटोरी ले सकते हो। अब मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डिब्बी ली है, आप उसका ढक्कन भी ले सकते हो और इस तरह से हमें काट लेना है। अब हम बाहर के एक्स्ट्रा आटे को निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारे डोनट तैयार है कट होके। तो आप इसे साइड पे रख दे और इसी तरह से बाकी के डोनट्स को भी बना ले। तो हमारे सारे डोनट्स कट होके रेडी है। तो अब मैंने यहाँ तेल को मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम डोनट्स को डालेंगे। आप देख सकते हो कि डालते ही डोनट्स कितने फूलने लगे हैं। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। अब ध्यान रहे कि आप इसे हाई फ्लेम पे ना तले, वरना हो सकता है कि बाहर से ब्राउन हो जाए डोनट्स बट अंदर से कच्चे ही रहे। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही रखें।
आप देख सकते हो कि ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें सारे डोनट्स को ऐसे ही तल लेना है। तो मेरे डोनट्स यहाँ पे तल के तैयार है, आप देख सकते हो कि कितने फ्लफी है। तो अब हमें एक छोटे बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रखना है। अब हमें एक बोल में एक कप जितने चॉकलेट को लेना है और इसके ऊपर हमें रख देना है। आप देख सकते हो कि चॉकलेट थोड़ी सी पिघल गई है, तो अब हम इसमें एक टेबल स्पून बटर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी चॉकलेट पिघल चुकी है, तो अब हम इसे गैस से नीचे ले लेंगे। अगर ये चॉकलेट आपको थिक लगती है तो आप इसमें एक टेबल स्पून दूध भी डाल सकते हो। अब हमें ऐसे डोनट को लेना है और इसे चॉकलेट के अंदर डिप कर देना है। आप देख सकते हो कि चॉकलेट डोनट पे कितने अच्छे से लग गया है। अब इसी तरह से हमें सारे डोनट्स को भी चॉकलेट वाला कर देना है। हमने डोनट्स को चॉकलेट वाला कर दिया है। अब आप अपनी मर्जी के इस पे स्प्रिंकल्स लगा सकते हो। अगर आपके पास स्प्रिंकल्स ना हो तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी है। अगर आपके पास चॉकलेट भी ना हो तो आप डोनट्स को सीधा पीसी हुई चीनी में गोल गोल घुमाए और उसे आप ऐसे ही खा सकते हो। इसका टेस्ट एकदम बढ़िया है, तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो हमारे डोनट्स तैयार है विदाउट टेस्ट। तो आप देख सकते हो कि कितने मस्त दिख रहे हैं और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप देख सकते हो कि कितने सॉफ्ट बने और एकदम बाहर के डोनट जैसे हैं। तो बनाने के बाद इस पे कमेंट करना ना भूलें।